Aditya and welcome back to the vlog. So आज मैं अपने वापस से भैया के साथ आया हूँ. Bro, इस बार अच्छे से हाई बोलना. ये पिछली बार हाई बोले थे, बहुत ही गंदा हाई बोले थे, मैं उसको कट कर दिया था. क्या है ये? प्रैक्टिस कर लिया आपने? बहुत, कल रात से चल रही थी. करके दिखाओ. हाई गाइस. तो आज जैसे पिछली बार हम लोग लवासा गए थे, वो एक हनीमून डेस्टिनेशन था. लवासा क्या था, मतलब वो इंडिया के अंदर था. तो हम लोग सोचे इस बार हम लोग ग्लोबल जाएंगे, राइट? तो हम लोग यहाँ पर सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए आए हैं. उस टूर पे हम लोग निकले हैं. तो बेसिकली ऐसा है कि पुणे में एक पार्क है जहाँ पे सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के मिनिएचर्स बने हैं. तो हम लोग सोचे चलो उसको चल के आज एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसे मिनिएचर्स बनाए हैं इन लोगों ने. सो लेट्स गो. यहाँ पे ऐसा ये ओपन जिम भी है जहाँ पे लोग सुबह आकर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं. इट्स प्रीटी नाइस. हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने देश के वंडर से, जो कि है ताजमहल. क्या बोल रहे थे आप ताजमहल के बारे में? कुछ फैक्ट्स बता रहे थे. ताजमहल के बारे में तो बहुत सारे फन फैक्ट्स हैं. जैसे कि सबसे पहले तो इसके चारों मीनार जो है बाहर की तरफ इंक्लाइंड है. वो पता है क्यों है? इसका रीज़न ये है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कुछ ऐसे भूकंप आता है कुछ, तो मीनार उसके ऊपर ना गिरे. करेक्ट, बाहर की तरफ. एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी तक ये नहीं पता चला है कि इसके बाहर की कितनी ब्यूटी है ताजमहल के बाहर. हाँ जी. जितने जो लेक्स हैं, मतलब ऐसे लेक नहीं है वो, मतलब वाटर बॉडीज सही बना रखी है, जितनी सुंदरता है वो कब बनी थी. ताजमहल का जो बेस है वो बेस नीचे लकड़ी का है. लकड़ी का इसीलिए, मतलब दैट्स दी फन पार्ट की लकड़ी जो होती है वो तो सड़ जाती है, दिमाग लग जाता है, टिकती नहीं है. क्योंकि दैट्स दी फन पार्ट की वो ऐसी लकड़ी है जो कि मॉइस्चर के इम्पैक्ट पे आके इंटैक्ट रहती है और ऊपर के जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको इंटैक्ट रखती है. यार ये नहीं पता था मेरे को यार. एक्चुअली किसी को नहीं पता है, बहुत कम पता है. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में निकला था. अच्छा. उसके पीछे यमुना नदी जा रही है. उस नदी से उसको मॉइस्चर मिलता रहता है. अच्छा. महल बिल्कुल इंटैक्ट था, मगर 2005 में ही उसमें क्रैक्स देखे गए. 13 में भी क्रैक्स देखे गए. तो वो ये था कि यमुना नदी सूख रही है, उस चक्कर में हो रहा है. अच्छा. तो वो उसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पा रहा है, मॉइस्चर नहीं मिल रहा उसको, राइट? तो ऊपर से कितना भी इस चीज को साफ सुथरा कर दो, मगर बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो कोलैप्स होगा ही होगा. अच्छा, राइट. सही है यार, बढ़िया है. एंड ऐसे कहते हैं ना कि ये लोगों के, शाहजहां ने लोगों के हाथ वाथ काट दिए थे, ये ऐसा कुछ नहीं था. हाथ नहीं काटे थे. एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने उसे बस मना किया था कि भाई कहीं और मत बनाइयो प्लीज. जितने लोग जो थे उनसे एक एफिडेविट साइन करवा लिया, मतलब उस जमाने के साथ साइन करवा लिया था कि वो ताजमहल जैसे स्वच्छ द्वारा नहीं बनाएंगे. ठीक है. और ऐसा था कि उनको पूरे उनके लाइफ स्पैन की इनकम जो थी एक बार में ही पे कर दी थी. अच्छा, अच्छा. और कह रही थी कि तुम अब काम नहीं करोगे. और इसको डिजाइन करने के लिए 34 आर्किटेक्ट्स राउंड अक्रॉस द ग्लोब मंगाए गए थे. और फिर जाके इसकी डिजाइनिंग बनाई गई थी. नक्काशी के लिए भी अलग से बुलाया गया था. संगमरमर के पत्थर जयपुर के साइड से आए थे. सही है, आप हमारे गाइड हो आज के. वैसे लग रहा है खर्चा किया था इसने, लड़के ने बहुत खर्चा. काफी बेहतरीन बनाया है उन्होंने. छोटू सा है लेकिन डिटेलिंग काफ़ी अच्छी की गई है. यहाँ पे ये फाउंटेन वगैरह भी बनाया गया है. अच्छा है, इट्स गुड. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, इजिप्ट. तो यहाँ पर ना तीन पिरामिड्स बने हुए हैं. एक ये है जो सबसे छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है और वो सबसे बड़ा है. सर जी आप कुछ बता रहे थे इसके बारे में, बताइए जरा प्लीज़. पिरामिड कुछ नहीं यार, ये तो बहुत टाइम, बहुत जनरेशंस पहले बनाए गए थे. और अभी तक तीन सुरंग ही डिस्कवर किया गया, जिसमें से कि एक में मम्मी मिले थे. और अंदर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है. और वो जो पत्थर का बता रहे थे हमें, ये क्या सीन था? ये जो है पत्थर वो कहाँ से लाया होगा किसी को आइडिया नहीं है किसी चीज़ का.
तो मगर रिसेंट जो अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो ये किया है कि ये पानी के थ्रू लाया गया है, मतलब वहाँ पे कैनाल्स बनाई गई थी। अच्छा। जिससे पानी के थ्रू अपथ्रस्ट फोर्स से उस पत्थर को पुल किया गया था, क्योंकि ये कुछ हज़ार वर्कर्स ने मिलके बनाया था। नाइस, मस्त बनाया ना, लेकिन मतलब ये भी अच्छा बनाया एक्चुअल वाला, जो वो भी कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा जब ये इतना अच्छा। और ऐसा ही कि पिरामिड जिस लाइन में लगे हुए हैं ना, उसको एक स्टार के मतलब स्टार अलाइन करते हैं वो लोग। हाँ, रहस्य पिछले जन्म का। उन्होंने सबसे पहली चीज ये बनाया क्यों होगा यही नहीं पता चला। हाँ, वो भी एक मतलब सही बात है कि ये क्यों बनाया, एलियंस बना रही थी। हाँ हाँ, कोई कहते हैं कि कॉलोनीज नहीं, अंदर तो इंसान को ही बंद करके रखा हुआ था, मम्मी बना के रखा हुआ था। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कवर, तो लोग छोटा छोटा बना के तैयारी कर रहे हैं बड़ा बनाने की। सही है, सही है। तो अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे वंडर की तरफ, और हम इजिप्ट से डायरेक्ट जा रहे हैं अब रोम। तो हमारे ज्ञान देवता, कुछ इसके बारे में बताएं आप जरा। इसके बारे में तो सर मेरे को इतना ही पता है कि पीट लेकर आया था मोनिका को यहाँ पे डेट पे लंच कराने के लिए, ठीक है। बट एक बात बताऊँ, हाउ आई मेट योर मदर इज बेटर देन फ्रेंड। ओके, हम लोग ऐसा करते हैं, जिसको जिसको हाउ आई मेट योर मदर पसंद है वो कमेंट करो, और जिसको फ्रेंड्स पसंद है लाइक। ओह, स्मार्ट मूव। और दोनों पसंद है, दोनों पसंद है तो कमेंट और लाइक दोनों कर दो, बेल बाकी से भी दबा दो। और लेट, तो ये जो कॉलोसियम है, तो इसमें क्या होता था ना पहले, पता है आपको क्या होता था, जहाँ पे ना लाइव परफॉर्मेंस वगैरह देखे जाते थे, एंड यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब एक फेस्टिवल टाइप का उनका होता था, जहाँ पे जिसमें ना मतलब 10,000 जानवरों को स्लॉटर किया जाता था, और लोग बाग बैठ के उसको आराम से देखते थे। फेस्टिवल में स्लॉटर किया? हाँ, नहीं, उनका वो फेस्टिवल होता था जिसमें वैसे स्लॉटर करते थे। सो अरे, एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये तो एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसे टूटा हुआ है ना, तो ये लोग पूरा सर्कल क्यों बनाए, टूटा हुआ बनाना चाहिए था ना। अब भारतीय संस्कृति में टूटी हुई चीज रखी नहीं जाती ना। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। लेकिन ये मेरे को सबसे खूबसूरत लगा, मतलब अभी तक हमने जितने में देखे हैं ना, ये मेरे को सबसे सुंदर लग रहा। लाइव परफॉर्मेंस वगैरह भी होते थे, प्लेज वगैरह होते थे, तो मैंने पुराने कार्टून में देखा है कि इसमें हल्के लीज के टाइम का था ये। हाँ हाँ हाँ, हल्के लीज के मैच होते, मतलब लड़ाई भी होती। हाँ हाँ, बुल फाइट ये सब भी होते थे यहाँ पे। बढ़िया लगता होगा लेकिन बैठ के देखने में, नहीं? बहुत बहुत, बुल फाइट ये सब चल रहा है एकदम, जाना बिल्कुल। अभी चले जाओ। अब हम लोग जब इटली आ ही चुके हैं, और एक जो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है वो भी हम लोग यहाँ पे देख ही लेते हैं, वो क्या है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। भाई बताओ इसके बारे में कुछ बताओ। मेरे को इसके बारे में तो नहीं पता ज़्यादा, इतना पता है कि इंजीनियरिंग डिफेक्ट है। हाँ, बेसिकली क्या हुआ था ना कि मतलब सेकंड फ्लोर जब इसका बनना शुरू हुआ था ना, तब से ये लीन होना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसके नीचे का जो एक ग्राउंड है, तो एक साइड का जो ग्राउंड है वो बहुत वीक है, मतलब हाँ वीक है, तो इसलिए हाँ तो इसलिए वो वीक होना आई मीन लीन होना शुरू हो गया था। इसको बनाने में पता कितना दिन लगा था, कितना साल लगा था, कितना साल देख के तो मुझे दिल हुआ लग रहा है। नहीं इसको नहीं, एक्चुअल वाले को भाई नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। ये इसको बनाने में ना 344 ईयर्स लगे थे। 344 ईयर्स बिल्डिंग बनाने में? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि ये 1171 या से कुछ अराउंड स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर बना था कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, उसके बाद फिर 100 साल के लिए इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर से रिज्यूम हुआ था 1278 या से कुछ में, पंजीकरण इशू वापस से रिकन्स्ट्रक्ट होना शुरू हुआ था, उसके बाद जाके ये कंप्लीट हुआ, एंड काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। लेकिन मेरे को ना इसको देख के ना लगता है कि कभी कभी टूरिस्ट गए होंगे ना, और ऐसे करके जो फोटो नहीं लेते हैं उसको वैसे ले रहे होंगे, और ये सच में गिर जाएगा। नहीं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब मेरे को ऐसा फील आ जाए इसको देख के कि भाई ये कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ, है ना। एक्चुअली चलो, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट वंडर की तरफ, और वो है स्टोनहेंज। भाई तो इसके बारे में कुछ पता है आपको? इसके बारे में मेरे को भी बहुत कम पता है। अच्छा,
एक्चुअली इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना 3000 BC के टाइम का ये स्ट्रक्चर है. और इसके बारे में इतना कमाल की बात ये है कि ओपन ग्रास लैंड में है इंग्लैंड में, 13 फुट के एक एक पत्थर है, 25 टन के लेके कौन आया था ये समझ नहीं. पता है यहाँ पे ये एक बरियल ग्राउंड हो सकता है, प्रोबेबल बरियल ग्राउंड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ना 50,000 बोन्स मिले थे, तो ये बरियल ग्राउंड हो सकता है. एंड पता है ये जो स्टोन्स है ना इनको रिंगिंग बेल्स भी बोला जाता है. वो पता है क्यों? क्योंकि ये जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं ना तो एक बहुत यूनिक सा आवाज़ क्रिएट करते हैं, मतलब एक यूनिक सा आवाज़ आता है इनमें से, जो कि मतलब मेडिटेशन वगैरह के टाइम पे देखा होगा आपने, एक बोल होता है उसमें ऐसे करते हैं, तो वो वही हीलिंग पावर्स होते हैं ऐसे स्टोन्स में लोग कहते हैं. एंड एक्चुअल में अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे तो मतलब नॉर्मल सा ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग देखें वो इंग्लैंड वाला कितना खतरनाक दिखता है ना, पूरा ग्रीन और ये वाइट वाइट रहता है खुला हुआ. और ये पता है ये जो भी स्टोन्स है ना ये पूरा अच्छे मस्त सर्कल के अंदर वैसा बना हुआ है, परफेक्ट लगता है. नहीं nice. चलो अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर. कहाँ जाएँ? फ्रांस चलेंगे? फ्रांस चलते हैं, बहुत फ्रांस चल लेना. तो इसके बारे में भी कुछ बता ही देते हैं. एफिल टावर में इतना बताया कि सबसे ऊपर एक कमरा है. अबे वो तो सबको पता है. और बोलोगे ये लोहे का बना है बोल लो. मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ. पता है आईफिल टावर का फोटो आप दिन में ले सकते हो, अलाउड है, बट रात को लेना अलाउड नहीं है. लेकिन आप ले सकते हो, लेकिन आप कहीं पर पोस्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइट्स लगे हैं ना कॉपीराइट फ्री नहीं है. आप दिन में अगर ये जो बिल्डिंग के फोटोग्राफ्स लेते हो तो वो चलता है, लेकिन वो भी फोटोग्राफ ना एक पर्टिकुलर ईयर है कि उसके बाद अगर आप ले रहे हो, उसके बाद की अगर है तो आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर उसके पहले की यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका आर्किटेक्ट जो था वो इसको ऐसे कॉपीराइट फ्री नहीं किया था, तो आप मतलब फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हो. तो इसमें अभी जो लाइट्स लगी हैं ना वो अभी भी किसी और की प्रॉपर्टी है, तो आप उसको लेकर रात वाले जो इमेजेस वगैरह जो हम लोग देखते हैं ना वो या तो वो परमिशन के साथ हैं या तो वो लोग खरीदे हुए हैं, और नहीं तो वो इलीगल हैं. वैसे बस यही फन फैक्ट मेरे को पता है. और एक चीज़ बताया कि यहाँ पे एक बहुत ऊपर एक रूम तो है, वो तो है ही, वो अभी बंद हो गया ना शायद? बंद हो गया ना. वहाँ से लोग बाग सुसाइड कर ले रहे थे, राइट? और राइट फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जा रहे हैं फ्रांस से दूसरे वंडर की तरफ, और फ्रांस से हम लोग जा रहे हैं यूएसए. तो यूएसए हम लोग जा रहे हैं, आपको पता ही है क्या देखना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी. सो हियर इट इज. अब हम लोग फ्रांस से यूएसए आए हैं, तो हमारे पास एक फन फैक्ट है आपके लिए कि एक्चुअल जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये फ्रांस के लोगों ने यूएसए को गिफ्ट किया था, राइट? एक्चुअली और क्या फन फैक्ट है बताएं जरा. फन फैक्ट नहीं है तो सभी को पता है, इसके जो क्राउन के जो 7 pointed needles टाइप लगे हुए हैं, सेवन कॉन्टिनेंट्स को, राइट? इसके राइट हैंड ने मिसाल लिया हुआ है, हाँ, ठीक है, जो कि एनलाइटमेंट को डिनोट करता है. बिल्कुल. लेफ्ट हैंड में किताब है जिसमें कि 4th of July 1776 लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है, न्यूमरल में नहीं है, रोमन में लिखा हुआ है, क्योंकि उस दिन इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए था, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए था. बिल्कुल. और इसके पैर में चेन्स है जो कि बताते हैं, हाँ, ये एक फन फैक्ट. ये एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता है कि इसके पैर में चेन बंधा हुआ है, जो कि बताता है कि ये स्लेवरी को अब हम लोग खत्म कर रहे हैं, हम स्लेवरी से ऊपर उठ रहे हैं, राइट? मुझे ये समझ नहीं आया कि 1776 में वाला जब यूएसए फ्री हुआ, हाँ, उस पर राज कौन कर रहा था? मुगल तो तब थे नहीं उधर, उनको राज कौन कर रहा था? मैं कर, फिर मैं जान दिया, बोला चलो ठीक है जान. हम लोग का सही है, सही है ना? हम लोग का, आप बोल रहे हो तो सही होगा क्योंकि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता. भी नहीं. और ये पानी में है, तो पानी में तो है ही, जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनका, हाँ, स्वागत टाइप करता है, वेलकम करता है. ओके, ग्रेट. सो आई गेस अनुभव भैया, आई गेस हमारा 7 wonders खत्म हो चुका है अब. हाँ, 7 wonders कवर कर लिया ना हमने पूरा अराउंड द वर्ल्ड. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हो गया सब देख लिया, आई हैव सीन एवरीथिंग नाउ, राइट? बस तो भूख लगी है मेरे को भी, तो अब हम लोग चलते हैं. एंड
अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, छोटू सा ब्लॉग था, एकदम फन ब्लॉग, हम लोग सुबह सुबह आ गए थे ऐसे ये पार्क में कि हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं सेवन वंडर्स। एक्चुअली ऐसे सेवन वंडर्स वाले थीम वाले पार्क में बहुत जगह हैं, दिल्ली में भी है, नागपुर में भी है, और भी बहुत सारी जगह हैं, बट मैंने कहीं नहीं देखा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आपने देखा था पहले कभी? ना। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए हम दोनों आ गए यहाँ पे और काफ़ी मज़े भी किए, सुबह सुबह आने में मज़ा आ गया। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ अगर आप नए हो, एंड कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि हम दोनों के फैक्ट्स आप लोगों को कैसे लगे। वैसे आपको इतने सारे फैक्ट्स पता कैसे हैं? देखो इंसान है ना, इंसान सबसे ज़्यादा खाली कहाँ रहता है अपने जीवन में? घर पे? नहीं, घर में भी एक जगह है, सो रहा होगा तब खाली, अब कुछ नहीं करता। असली सोच आती है शौचालय में। अच्छा, जहाँ सोच वहाँ सोच, राइट? ओके, तो सोच के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम फोन लेके बैठते हैं। अच्छा अच्छा, खाली आदमी क्या करे, वीडियो देखते रहते हैं, फन फैक्ट्स। सही है रे तुम लोगों का, कभी कभी ऐसे ही बैठ जाता हूँ मैं फन फैक्ट्स देखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारे फैक्ट्स वैक्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर अच्छे लगे हैं तो, नहीं भी अच्छे लगे तो भी कर दो यार, और अगर कोई फैक्ट गलत है तो प्लीज़ उसका करेक्शन मेंशन कर देना, गाली गलौज मत करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही है, राइट? आज के लिए इतना ही, सो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, बाय बाय, पीस।